तो हेलो मेरे यारों, आज हमारा न्यू एपिसोड स्टार्ट होता है। और हमारे एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है कि लिन वू और लिन यून दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। और लिन यून रिंग के बॉर्डर लाइन के बाहर चली गई होती है, लेकिन लिन वू बॉर्डर लाइन के अंदर ही होता है। इसे देखते हुए रेफरी अनाउंसमेंट कर देता है कि इस कंपटीशन का विनर लिन वू है। उसके बाद वहाँ पर खड़े सभी लोग चेयर करने लगते हैं कि लिन वू इज़ द विनर ऑफ दिस मैच। उसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी और लिन के डैड कुछ बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद हम ग्रैंड एल्डर को देखते हैं। ग्रैंड एल्डर अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि यह मैच अब ख़त्म होता है और इस मैच में टॉप 3 कैंडिडेट्स का मैं नाम लेने जा रहा हूँ। उसी वक्त हम देखते हैं कि लिन यून अपना हाथ खड़ा करके कहता है, वेट अ मिनट, थोड़ी देर रुकिए। उसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड एल्डर हैरान होते हुए कहते हैं कि लिन यान, क्या तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करने हैं? उसके बाद हम देखते हैं लिन यान कहता है कि ग्रैंड एल्डर, मेरे और लिन वू की फाइट तो अभी तक हुई ही नहीं है, अभी तक हुई ही नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं लिन की बात सुनकर जू बहुत ही परेशान हो जाती है और कहती है, ब्रदर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? उसके बाद हम देखते हैं कि लिन के आगे खड़े दो लोग बातें करने लगते हैं कि लगता है ये पागल हो गया है कुछ मैच को जीतने के बाद। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन के डैड उसे देखकर हैरान होते हैं उसकी बातों को सुनते हुए। उसके बाद हम देखते हैं लिन वो रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि सर, अकॉर्डिंग टू दी रूल्स, मैंने और लिन वू ने अभी तक फाइट नहीं किया है, तो विनर अभी तक जारी नहीं हो सकता। उसके बाद वो दोनों ही लिन की बात को सुनकर चुप होते हैं। और फिर लिन के डैड सोचते हैं कि इस ब्रेट ने क्या अभी तक अपनी फुल पावर को दिखाया नहीं है। फिर ग्रैंड एल्डर और लिन के फादर बात करते हैं और दोनों ही एग्री हो जाते हैं इस मैच के लिए। और लिन कहता है कि मैं श्योर हूँ, मैंने अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस केवल टॉप 3 में आने के लिए नहीं किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर कहते हैं, ठीक है, मैं इस मैच को आगे भी जारी रखता हूँ, तुम जाकर फाइट कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन वू और लिन यान दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। और लिन यान अपने मन में कह रहा होता है कि इसने अभी अभी मार्शल आर्ट स्किल्स को सीखना स्टार्ट किया है, इसे हराना तो केक काटने जितना आसान होगा, बस मुझे इसके ब्लैक पर्पल लाइट से बचना है। उसके बाद हम देखते हैं दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और लिन अपने पंच में पावर को इकट्ठा करते हुए वू की तरफ बढ़ जाता है। और फिर वो लिन को आते हुए देखकर कहता है कि लिन, तुम्हारे ये छोटे मोटे अटैक्स से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद दोनों ही एक दूसरे के साथ अपने पंच को टकराते हैं और थोड़ा थोड़ा पीछे चले जाते हैं। उसके बाद वो फिर से अपने हाथों में एनर्जी को इकट्ठा करते हुए कहता है, अब मेरे फुल पावर को टेस्ट करो और इसे रोक कर दिखाओ। फिर हम देखते हैं कि वू और लिन दोनों ही अपने पंचेस को लेकर और एक दूसरे के सामने बढ़ने लगते हैं। फिर हमें एक पर्पल लाइटनिंग जबरदस्त दिखाई जाती है जिसमें उन दोनों के पंचेस टकराए हुए होते हैं और लिन थोड़ा सा पीछे खसक जाता है और वह हाँप रहा होता है और साथ ही उसके चेहरे से पसीने भी गिर रहे होते हैं। और फिर वो लिन को देखते हुए हैरान होता है और कहता है कि क्या इसने मेरे पंच को काउंटर कर लिया? आखिर ये कितना स्ट्रोंग हो गया है, ये मेरे पंचेस को कैसे काउंटर कर सकता है? इसी के साथ हमारा एपिसोड
ख़त्म होता है। और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं पर डे कितने एपिसोड्स को अपलोड करूं। थैंक यू।